नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स, आपके साथ मैं हूं अदिति। कहते हैं स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफुल सेलर्स। अपने इस शो में हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं तो आप उन्हें ओवरकम कीजिए। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे कैंडिडेट से जो इन चैलेंजेस से उभर कर सक्सेस प्राप्त करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ सतेंद्र सिंह, जिन्होंने 714th रैंक पाया, और हमारे साथ मौजूद हैं AK मिश्रा जी, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमारे सक्सेस गुरु हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सर। स्वागत है आपका सतेंद्र। सतेंद्र, यू हैव यू नो गेन्ड दिस 714th रैंक, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत सबको ही करनी पड़ती है, तो उतनी मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ी। एंड देयर वर कपल ऑफ अदर लिमिटेशंस जिसके लिए, जैसे एग्ज़ाम लिखने के लिए स्क्राइब की ज़रूरत थी, सो आई हैड टू मेक श्योर कि मेरा स्क्राइब ऐसा है जो थोड़ा तेज़ लिखे और उसकी राइटिंग लेजिबल हो। तो कई बार ऐसे कमिटमेंट लेने में किसी से दिक्कत आ जाती है। मैनी पीपल वर नॉट विलिंग, उन्होंने उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो ऐसे या फिर जैसे सब्जेक्ट मैटर को एक्सेसिबल ई बुक्स में या सॉफ्ट कॉपीज़ आपको लेने हों, तो दैट वाज नॉट ईजी, क्योंकि ज़ेरॉक्स अवेलेबल होते हैं इधर उधर मार्केट में, उनका स्कैन करना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उन पे मार्क्स वगैरह होते हैं। तो उन दिक्कतों के सिवा इट वाज ऑल स्मूथ, एंड आई बेसिकली ट्राइड कि दो तरीके होते हैं मेहनत करने के, एक तो आपकी नज़र डेस्टिनेशन पे रहे और आप उधर भागते रहें जी, दूसरा तरीका होता है कि आप जो रेस है, जो प्रोसेस है, उसी को एंजॉय करना शुरू कर दें। सो आई वॉज ट्राइंग कि क्योंकि मैं कई और काम भी कर रहा था साथ में, आई वॉज नॉट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रिपरेशन, ऑलराइट, लेकिन फिर मैंने ट्राई ये किया कि मैं जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसको एंजॉय करता चलूँ, उसको एक जॉयस एंड सेलिब्रेशन बना के, सेलिब्रेटिंग प्रोसेस बना के आगे बढ़ता चलूँ, और वो दैट विल बी ईजी। सो दैट्स वॉट मेड इट ईजी। सो बेसिकली सतेंद्र, मुझे पूछना चाहिए था कि आपने ये कैसे हासिल किया, वॉज इट अ स्मूथ सेलिंग फॉर यू, बजाय इसके कि आपके क्या क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि आपने गिनाया ये ज़्यादा कि आपके लिए क्या आसान था। आई एम ग्लैड योर स्पिरिट इज़ लाइक दैट। बट सतेंद्र, यू नो एट वॉट पॉइंट डिड यू थिंक कि आपको IAS के लिए अपियर होना है, बढ़ना है आगे, वॉट केम इन योर माइंड? सो यू नो इन द काइंड ऑफ फैमिलीज दैट आई वॉज बोर्न, इस तरीके के परिवारों में क्या होता है कि आपके पास अपने अभिरुचियों को, अपने पैशंस को परस्यू करने का लग्जरी थोड़ा कम होता है। तो आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी होने के साथ ही आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप भी कमाएं, क्योंकि दूसरे बच्चे आपकी उम्र के कमा रहे हैं जी। और अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो पड़ोसी ज़रूर इसमें इंटरफेयर करते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। स्टोरी ऑफ एवरी हाउस होल्ड जी। तो इस सेंस में मैं जब MPhil कर रहा था, तो उसी के दूसरे वर्ष में मैंने श्री अरबिंदो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो एक बार मेरे पास जॉब सिक्योरिटी हो गई, और क्योंकि UPSC सबको ही अनसर्टन बिजनेस लगता है, तो इस जॉब के होने के बाद आई थॉट कि अब मैं UPSC की तरफ ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई वॉज अर्निंग, सो आई कुड पे वट एवर मनी टेक्स, और आई कुड फील सिक्योर एंड प्रिपेयर। तो वो वहाँ से, वो 2016 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसमें दरअसल मैं PhD भी कर रहा था और वहाँ पढ़ा भी रहा था, तो इस वजह से जो समय मुझे इसको समर्पित करना चाहिए था वो ज़रा कम था। इसीलिए शायद आप दूसरी बार में प्रॉब्ली जी थर्ड अटैम्प्ट ऑल राइट ओके। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको तब भी मिल रहा था जब आपने सोचा कि मैं अब करूँगा ये? मेरी फैमिली इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट फैमिलीज। ग्रेट। सो वो मेरी फैमिली ये मान के चलती है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है, और वो मुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। दे हैव फुल फेथ इन मी, एंड दैट्स वॉट कीप्स मी मोटिवेटेड। सो इट्स सो हैपन दैट इन चाइल्डहुड, बेसिकली व्हेन आई वाज 1.5 ईयर ओल्ड, आई लॉस्ट माई आई साइट। I was given a wrong injection. I was suffering from pneumonia and the doctor gave me a wrong injection. Wrong injection ki wajah se mere optical nerves damage ho gaye the. But sometimes we think, and people are basically driven to think, ki that is the end of life. To mere parents wo farmers the, aur jyada jankari gaon mein hoti nahi hai.
स्पेशल स्कूल्स की, तो दे वुड ऑल्सो प्लान कि मेरे लिए क्या करेंगे क्या करेंगे, दे हैड डिफरेंट प्लान्स. लेकिन इस बीच क्या हुआ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एडवर्सिटीज़ आती हैं दे ब्रिंग सर्टन ब्लेसिंग्स विद इन देम. कई बार हम एडवर्सिटीज़ में ब्लेसिंग्स देखना भूल जाते हैं. सो द किड्स ऑफ माई एज नाउ वुड ईदर बी सिटिंग ऑन अ ट्रैक्टर एंड यू नो प्लाइंग इन अ फील्ड और वर्किंग समवेयर. But the loss of my eyesight brought me to Delhi. One of my uncles, हमारे गांव में जन्म सिंह अंकल हैं, वो पहले दिल्ली में काम करते थे. उन्होंने एक विजुअली चैलेंज्ड विद्यार्थी को बस में बैठे हुए देखा. उसके हाथ में घड़ी थी. एंड ही नोटिस कि वो घड़ी को खोल के टाइम देख रहा था, सुइयां टच करके. सो ही वॉज इम्प्रेस्ड. फिर उन्होंने उनसे बात की कि आप कहाँ पढ़ते हो क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि स्कूल है, स्पेशल स्कूल्स होते हैं. सो दिस पॉसिबिलिटी ओपनड अप टू माय पेरेंट्स एंड टू माय फोक्स कि भाई स्कूल्स होते हैं एंड आप जो है वहाँ पे एडमिशन करा सकते हो. नाउ अगर उस लड़के के हाथ में वो घड़ी नहीं होती, सो आई वुडंट हैव बीन हियर. सो द पॉइंट इज स्मॉलेस्ट एंड टाइनेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स have the vast and biggest significance in our life that we can't imagine. Agar wo ladka ghadi nahi dekh raha hota to mere uncle ki nazar usme nahi jati. So he was visually challenged and he was looking at his wristwatch. That's what brought me here. To ek to chote chote incidents mein bahut bade transforming events chupe hote hain, aur dusra ye ki adversities sometimes are blessings but you fail to recognize them. Totally. सत्येंद्र, हमारे साथ यहाँ पे सक्सेस गुरु ए के मिश्रा साहब भी हैं. सर, इनकी स्टोरी सुनकर आपको क्या लगता है, कोई ऐसा हो और इस पॉइंट पे आ जाए, व्हाट कुड हैव बीन द मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, इन्होंने अपनी पूरी डिस्कशन में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे ध्यान दिलाया. कभी कभार कुदरत जो है कहता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, और वो सिचुएशंस आते हैं और कुदरत भी उसका इंडिकेशन भी देता है. इन्होंने क्या कहा कि घड़ी देखते समय एक फिजिकली विजुअली चैलेंज्ड किसी बच्चे को देखा इनके अंकल ने, उससे से आइडिया आया. तो इंडिकेशंस भी कई बार कुदरत अपने आप कुछ दे रहा होता है, एक और से कुछ छीनता है, दूसरे और कुछ रास्ता भी दिखा रहा होता है. लेकिन बचपन में तो कुछ जो दूसरे लोग आसपास जो लोग होते हैं उनकी हेल्प पर उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो उसको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कि उनको कर्ज कर रहे हैं कि या उसको जो है मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं. जस्ट लाइक ही शेयरिंग की फैमिली, सत्येंद्र के साथ लकी बात यह है कि इनके जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने उसको बहुत एम्पैथिकली और इंटेलिजेंटली लिया साथ में. उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फिर उसके बाद उसके जीवन में उसको खुद कैसे लेता है. तो सबसे ज़्यादा सराहनीय चीज़ होता है वो है कि जब इंसान खुद उसको कैसे ले रहा है. तो सत्येंद्र की जो पूरी स्टोरी है वो ये है कि एक तो रास्ता इनको दिखाया गया, चलना इन्हीं को था, और आज के दिन में वही जो मोटिवेशन फैक्टर इनका है, सेल्फ मोटिवेशन, कि उसको अपनी डिसएडवेंटेज बना करके या कर्ज समझ करके ना दे करके उन्होंने उस रास्ते चल पड़े, और जो भी रास्ते अपॉर्चुनिटी मिलती गई ये उसको यूज़ करते चले गए. ये बहुत बड़े एग्जांपल हैं जहाँ स्टूडेंट जो हमारे पास या जिनको हम देखते हैं कि जो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और वो जब सोच रहे होते हैं बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, डिफ़िकल्ट है, कुछ नहीं कर सकते लाइफ, उनके जैसे सत्येंद्र जो हैं बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि भाई सर की कुदरत जब चुनौती दे रही है, आई साइड छीन लिया उसके बावजूद भी कितनी बड़ी ताकत और मोटिवेशन है जो उठा करके यहाँ तक ले आए. वेरी इंस्पिरेशनल, क्वाइट एन इंस्पिरेशन. जब आपने सोचा कि मुझे अब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं, तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, एज अ हॉबी या नेसेसिटी या नीड, व्हाट वाज इट? मोर देन दैट इट वाज द नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू द सोसाइटी एंड द नीड टू यू नो चेंज द stereotypical thinking. Usually if someone is told that they have to meet someone who is living with a physical limitation, wo apne dimag mein unke bare mein pehle se perceptions bana lete hain. They have certain prejudices. Aur un prejudices ke sath wo us vyakti se milne ka prayas karte hain. So even before meeting someone you suffer with a prejudicial mentality. और मेरा एक लक्ष्य ये था कि इस तरीके के प्रेजुडिसेस को दे मस्ट गो. इस तरीके के प्रेजुडिसेस को तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो काम किया जाए जिसको सबसे ज़्यादा सराहना मिलती है या जिसको सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है.
जी। तो एक तो ये है, तो आपने जानबूझकर ऐसा कठिन काम चुना। हाँ, लेकिन इसके इसके साथ साथ ये भी है कि इट प्रोवाइड्स यू विद अ वेरी सिक्योर करियर अपॉर्चुनिटी, जिसमें सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही नहीं, इस एग्ज़ाम के आगे जो आने वाली सर्विसेज हैं हर मोड पे आपको एक नई चुनौती मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, वैविध्यपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और वो ना केवल आपको निखारेंगी बल्कि वो मुझे निखारने के साथ साथ समाज को जो पूर्वाग्रहपूर्ण जिनकी सोच है हर मोड़ पर उनको गलत सिद्ध करते चली जाएंगी। और मेरी आगे आने वाली जनरेशन अगर किसी फिजिकल लिमिटेशन से सफ़र करेगी जी, तो वो समाज उनको पिटी नहीं बल्कि एम्पैथी के साथ देखेगा। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। पर देखा जाए तो बाकियों के मुकाबले आपके आसपास जो एनवायरनमेंट रहा है वो ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। सिर्फ एक यू जस्ट हैड टू फाइट अ माइंडसेट, पर अपने आप में आपके घर वाले, आप खुद, यू नो, यू आर ऑल्सो स्पिरिटेड दैट यू हैड अ थॉट एंड यू आर अ गो गेटर, यू वॉन्ट टू अचीव इट एंड यू हैव बीन एबल टू, कंग्रेचुलेशन ऑन दैट। पर इसके अलावा कोई ऐसे चैलेंजेस जो पढ़ाई के दौरान आपको महसूस हुए हों? Like I said, every aspirant has to face challenges. The exam basically, exam ही challenges का है. You at every minute, आप एक सप्ताह अच्छे से पढ़ाई कर लें, आपको लगने लगता है यार बहुत अच्छी रैंक आएगी, और दो दिन मिस हो जाए तो आपको लगता है कुछ नहीं हुआ. So जो level of frustration है बहुत अच्छा खासा होता है. So you'll have to deal with that. और दूसरा ये कि insecurity बनी रहती है, वो चैलेंजेस तो सबको फेस करने पड़ते हैं. मेरे केस में एक आध चैलेंजेस ये थे कि एक तो मटेरियल की स्केयरसिटी थोड़ी है, और दूसरा कि एक्सेसिबल कर पाना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल होता है. जैसे नॉर्मली यू नो आप सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह बनाते हुए भी कई बार लेजिबिलिटी का ध्यान नहीं रहता, तो वो सब चैलेंजेस आते हैं. तो एक आध वैसे, बट ओवरऑल इफ आई थिंक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दैट वॉज नॉट अ बिग चैलेंज. That was something which should come on your way, क्योंकि जब तक challenges नहीं आएगा आप अपने success को enjoy कर नहीं सकते. तो that was something which was you know coming with the package, वो package के साथ that was there, तो आना ही था. तो इसके साथ साथ लेकिन जो मतलब यहाँ पे एक बात है how to deal with these challenges, उसके लिए मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि you should practice equanimity. 2017 में 15 अगस्त के आसपास आई गोट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड इट रूइंड ऑलमोस्ट 1.5 months ऑफ मी. तो वो वहाँ पे मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा उस वजह से. तो 2017 का मेंस मेरा इसलिए हाथ से निकल गया. सो यू नो मैंने फिर वो यही सोचा कि यार कोई बात नहीं, आई वुड एटलीस्ट आई एम अलाइव, आई वुड प्रिपेयर फॉर 2018. सो हार हो या जीत हो, चाहे सुख मिले या दुख, आपको जो अपना स्थिर प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं इक्वानिमिटी, वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा. आपको अपने मस्तिष्क को इस तरीके से बनाना होगा कि आपको सफलता मिले या असफलता, आप उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो, खुशी में ज़्यादा आगे ना निकल जाएं और दुख में ज़्यादा ही डिप्रेशन में ना चले जाएं. सर ये बहुत ही सॉर्टेड लगते हैं मुझे. मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका कोई भी ऐसा जवाब आएगा जो किसी तरह से किसी को डीमोटिवेट करे. आई एम ग्लैड दैट यू नो वी हैव मेट यू. बट मिश्रा जी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से when somebody is you know challenged in a certain department, usko kya karna chahiye? Ye inke case mein saaf dikh raha hai ki you know ye to bahut you know apne aap mein inspirational hai, phir bhi kya karna chahiye ki aasani se mushkil paar ho sake? Ye sawal hum kuch discuss karenge Satendra se.
सत्येंद्र, वैसे ओवरऑल जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड हो या ना हो, या अपने आप में एक चैलेंज हर कैंडिडेट के लिए होता है, लेकिन खास करके आप जैसे लोगों के लिए तो एक विशेष चुनौती की बात होती है। लेकिन आपको जो स्पिरिट वाइज पूछें कैंडिडेट जनरल में, जो जनरल कैंडिडेट क्यों इसके पास डरते हैं या नहीं, इनको क्यों डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? तीन चार चीज़ें आप करेंगे तो एग्ज़ाम बहुत आसान लगता है सर। वैसे ये वास्तव में टफ़ एग्ज़ाम है, वो इसलिए टफ़ है, इसलिए नहीं क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है, सिलेबस बड़ा है, वो सारी चीज़ें आप चाहे सीए का एग्ज़ाम लें, कोई एग्ज़ाम लें, होती हैं। एवरी एग्ज़ाम गुड एग्ज़ाम हैज़ सम वास्ट सिलेबस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्ज़ाम दरअसल, दिस एग्ज़ाम इज़ द एग्ज़ाम ऑफ डीलिंग विद योर फ्रस्ट्रेशंस, कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड ऑल्सो मेकिंग एवरी डे काउंट। सो दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो तीन चार चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला तो हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप में ये फेथ है कि आप इसको क्रैक कर लेंगे, तो यू नो हाउस एवर हु कम्स एंड टेल्स यू कि नहीं होगा, बहुत कठिन है, यू गोट टू इग्नोर दम। सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो, ठीक है, क्योंकि वो फेथ जो होता है, फेथ के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ही होती है कि फेथ रीज़न को बीच में नहीं आने देता, बिकॉज वेयर देर आर रीज़न देर इज़ डाउट। जहाँ पे भी आप कैलकुलेशंस लगाएंगे, दो चार पाँच करेंगे, वहाँ फेथ डिस्टर्ब होता है। सो एक बार अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो, तो ये मान के चलो एक साल तक कि कर ही सकते हो जाएगा। एंड दैट कम्स विद सेल्फ लव। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ, यू डोंट पुश योर सेल्फ, नो बडी विल। और सेल्फ लव के साथ साथ, आत्मसम्मान के साथ साथ जो है वो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से पुश करने की, बाहर निकालने की ताकत भी आप में आ जाती है। ये जो एक पॉइंट है सेल्फ बिलीफ, चूँकि मैं भी अपनी मोटिवेशन में काफ़ी बात कर रहा हूँ, और आपके अंदर एक वो मोटिवेशन फैक्टर है, ये इस चीज़ को लाने में एक बहुत बड़ी रुकावट जो है स्टूडेंट्स के अंदर, अलग अलग फीलिंग होती है कि मैं तो गाँव से आया हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैंने अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं की है, है ना, ये इस तरह के जो सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स होते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा कि आपको अपने लिए लव होता है, सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स, बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो हिंदी स्पीकिंग एरिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि यूपी हैं, बिहार हैं, ऐसे जहाँ भी लोग हैं, वो बच्चों को लगता है कि बहुत दूर से कि तो आईएएस का एग्ज़ाम है तो बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, और उसके बाद हमारे तो बहुत तरह के अच्छी स्कूलिंग भी नहीं हुई कॉलेज, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुभव से, क्या कहेंगे? सर मुझे वही सेल्फ बिलीफ की बात है, फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था और 12वीं क्लास तक मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ पे इट वाज़ वेरी इंग्लिश एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ बात बनेगी नहीं। तो एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान में एडमिशन हो गया था, दोस्तों ने कहा कि वहाँ चले जाओ, यहाँ तो अंग्रेज़ी सीखने में बहुत दिक्कत है, अंग्रेज़ी आना अपने आप में बड़ी बात होती थी उस समय, स्पेशली जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं उनको। बट आई स्टेड ओवर देयर और मैंने डिसाइड किया कि यार पहले मैं इंग्लिश ही सुधारता हूँ, एंड उसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज का बड़ा योगदान रहा, वो दैट वाज वेरी एम्पैथेटिक इंस्टीट्यूशन, कम्प्लीटली उस कॉलेज ने मुझे एम्ब्रेस किया, डिडंट केयर कि मैं कैसा था क्या था, एंड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म मी फॉर गुड। तो उस कॉलेज में जो माहौल है, जो जीवन मूल्य हैं, जो बातें हैं, उसने वो बातें मुझे दी और मुझे एक बहुत अच्छा सिटीज़न बना दिया। वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स मेरे लिए बड़े ट्रांसफॉर्मिंग सिद्ध हुए, जैसे प्रोफेसर डेविड बेकर, ही वाज माय ब्लॉक ट्यूटर, एंड प्रोफेसर एस वी ईश्वर, जिनके साथ हम होराइजन्स ऑफ लाइफ डिस्कस करते, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज का बड़ा योगदान है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा सेल्फ डाउट आए, जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग, दैट आपका जो मस्तिष्क है वो एक अनबाउंड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट कैपेसिटी रखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर ब्रेन, फेथ इन योर माइंड, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग यू। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता था फेथ वाली। इस फेथ में हम जो थोड़ा एलाबोरेट करना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, कि आपके बारे में जो देखने का आता है, अदिति जो उन्होंने कहा कि जैसे इनके लगा कि मेरी इंग्लिश में नहीं आती थी, और उसके पूछते हैं और उसके, हाँ, कि आपको लैंग्वेज के ऊपर आप कैसे कमांड पाते हैं,
और आप ये देखिए कि सेंटिस्टिफिन कॉलेज में जाने के बाद इनके पास चॉइस था कि घबरा कर करके ये फिर दूसरे कॉलेज में चाह जाते हैं जहाँ की हिंदी में पढ़ाई होती, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा बल्कि उसको लिखा कि ये एक चुनौती है और साथ साथ एक अवसर है कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और ये उस पर जूझ गए। लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ज़िंदगी भर लोग कहते सुनेंगे, आप कहेंगे भाई हमारी तो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए हम आज तक कुछ नहीं कर पाए, हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से आए, हिंदी मीडियम रिजल्ट नहीं बनता। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सत्येंद्र दे रहे हैं कि भाई आपका यदि विश्वास ठीक है अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ अच्छा है, तो आप इस पर नहीं जाएंगे कि हमें क्या नहीं आता या हम उसमें वीक है, बल्कि आप उसके ऊपर एक चुनौती लेके सुधारने में। तो जब ऐसा मौका आए कि सेल्फ डाउट या फेथ, यू मस्ट चूज फेथ। हाँ, उसके सामने दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सत्येंद्र, जो है तैयारी करने के दौरान जब सिविल सर्विसेज का आपने डिसीजन लिया, तो सबसे पहले आपको रिसोर्सेज की समस्या आती है, अखबार कैसे पढ़ेंगे, किताबें कैसे पढ़ेंगे, तो लेट्स बिगिन विद कि आपने न्यूज़पेपर रीडिंग, जो करेंट अफेयर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट सिविल सर्विसेज में, उसको आपने कैसे पढ़ाई की, ये ज़रा ऑडियंस को बताइए। सर, इस पर मैं एक ये बात कहना चाहता था कि समाज में अक्सर ये बहुत बड़े पैमाने पे एक सोच है कि किसी एक कार्य को करने का एक ही तरीका होता है, घर से निकलना है तो बाहर वाले फ्रंट डोर से निकलना होता है, किताब पढ़नी है तो आँखों से देख के पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें रियलिटी कुछ ऐसी है कि हर चीज़ को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही तरीका जानते हैं। तो मैं अभी अपने मस्तिष्क की बात कर रहा था, हमारा मस्तिष्क जब भी वो एक तरीका अवरुद्ध हो जाता है तो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इतना पावरफुल डिवाइस है कि वो उस चीज़ को करने का दूसरा तरीका अपने आप स्वतः ही निकाल लेता है। तो जैसे किसी की आँखों की रोशनी गई, माननीय लुईस ब्रेल, उन्होंने उनके दिमाग ने कैसी स्क्रिप्ट तैयार कर डाली जिसको आप उंगलियों से छू के पढ़ सकते थे। इसके अलावा आजकल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हर मोबाइल में, हर डिवाइस में आ रहे हैं। आपके अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में आपको टॉक बैक मिल जाएगा, एप्पल में वॉइस ओवर होता है, कंप्यूटर्स में भी नरेटर होता है, विंडोज़ 10 बहुत अच्छा नरेटर दे रहा है। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी स्क्रीन पे आता है उसको हमारी कमांड के, हमारी चॉइस के हिसाब से रीड आउट करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, कैसे भी। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग थ्रू योर ईयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी डिवाइस गैजेट चलाने में। तो जो चीज़ आप पढ़ सकते थे वो आप सुन कर करके उसको। तो मैंने हिंदू का ई पेपर सब्सक्राइब कर लिया और सीधा वेबसाइट पर गया, क्रेडेंशियल्स डाले, लॉग इन किया। जैसा पेपर मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, उनके पास 6 बजे आता था, मेरे पास 2 बजे ही अपडेट हो जाता था रात में, और छपा और उसी समय साथ में आ गए वो जब तक उनका आता था मेरा ख़त्म हो जाता था। तो एक तो ये, और दूसरा जैसे कोई भी किताब है आप उसको स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद वही किताब आपके कंप्यूटर में आ गई, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से आप पढ़ सकते हैं। सो इतना कठिन है नहीं जितना, मतलब उसको मान लिया कि कठिन है तो है, और नहीं तो अदरवाइज तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स के सब कुछ ठीक है, विजुअली सब फिट भी हैं, उनके लिए दूसरी उसके ऊपर हो जाती है। ये मान्यताओं का ही खेल है सर। आप पहाड़ पे चढ़ने से पहले अगर कह दे बहुत ऊंचा है और पीछे हट जाएं, लेकिन जब आप चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इतना भी कठिन नहीं है, है कठिन लेकिन इतना भी नहीं। तो आपने उसी चीज़ को जो है सुन कर करके, अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसकी पढ़ाई की। अब आती है पढ़ाई की तैयारी कैसे करें, वो अपने आप में आती है। आपके लिए जो क्या चुनौती रही कि कहाँ से स्टार्ट करें, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन जिसको हमेशा एक लोग कि मुहावरा रहता है कि भाई आयरन के चने चबाने के बराबर है। यस सर, इट्स लाइक ईटिंग एन एलिफेंट, तो कैसे करें इसको, तो उस मामले को आपने कैसे सिंपलीफाई किया? हाँ, तो पहले तो मैंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या फेथ इन योरसेल्फ बहुत जरूरी है। डू यू प्रैक्टिस दैट फेथ या इट कम्स नेचुरली टू यू? नो, यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड लेट नो डाउट्स क्रीप इन। लाइक होता है, सेल्फ डाउट होता है समय समय पर, बट दैट शुडंट स्टे विथ यू। अगर वो आपके साथ रहता है और सेल्फ डाउट में अगर आप जी रहे हैं तो क्या होगा, आप अभी एक किताब पढ़ रहे हैं, किसी ने आके बोला कि यार बी की किताब इससे अच्छी है, उस पिछले साल से इससे क्वेश्चंस आए थे, आपने ए भी पढ़ लिया बी भी पढ़ लिया, और जब पढ़ के ख़त्म हुआ तो आपको पता चला उसमें 2-4 पेजेस का डिफरेंस था। वो एग्ज़ाम में एक भी नंबर इधर उधर नहीं करेगा, लेकिन आपने क्या किया, समय बर्बाद करके एक की जगह दो, उसी एक किताब को आप 3 बार पढ़ लेते तो आपका भला हो जाता। सो दैट कम्स विद सेल्फ डाउट। लेकिन आपको फेथ है जो आप कर रहे हो ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है इक्वानिमिटी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द थर्ड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। इस एग्ज़ाम में वास्तव में कंसिस्टेंसी की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, और जिस दिन मिस हो गया उस दिन अगले कंपनसेट कीजिए। ऐसा नहीं कि
बाद में देख लिया जाएगा, पाइल अप करते जाइए, पाइल अप। कई लोग होते हैं मेरे दोस्त, वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग ले लेके पाइल अप करते जाते हैं और जो एक दिन के इंतजार करते हैं कि दिन आएगा जो पढ़ेंगे। तो आज नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं, घूमने चले जाते हैं, कल देख लेंगे। वो कल नहीं आता। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यू नो, फिनिश द न्यूज़पेपर देन एंड देयर। इसमें एक सवाल आता है सत्यन की, एक डाउट आता है बहुत स्टूडेंट्स को कि भाई 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करेंगे तब जा करके हम आईएएस बन पाएंगे, सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। आपका अनुभव क्या क्या था एक अच्छे गुड स्टडी के लिए? 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था वहाँ। 3-4 घंटे कॉलेज में अच्छे खासे बीत जाते थे। 3 तो लेक्चर्स ही लेने होते थे, फिर आने जाने और वहाँ रुकने में भी, कुलीग से भी मिलना होता था, हंसी मजाक होता था, बहुत समय चला जाता था। न्यूज़पेपर मेरा 1.5-2 घंटे ले लेता था। तो लेकिन वास्तव में ये गलत बात है, ऐसे ये घंटों में इसको क्वांटिफाई नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती। वास्तव में आउटपुट मैटर करता है। आप टॉपिक्स देखिए कि कितने टॉपिक्स कवर कर पा रहे हो एक दिन में, उस हिसाब से अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए। जैसे आप 2 दिन में 1 टॉपिक ख़त्म कर पा रहे हो तो वीक में 3 टॉपिक का रखिए, और जो 1 दिन बच गया वीक में उसमें रिवाइज कर डालिए। दिस ब्रिंग्स टू द 4th थिंग विच इज़ रिविजन। देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू रिविजन एंड हार्ड वर्क। तो आप रिवाइज करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। ये नहीं हो कि आपने अभी कल्चर ए बुक से पढ़ लिया, फिर आप बी से पढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि यार वो ए ठीक है या नहीं, तो फिर तो आप खेल रहे हो। जहाँ वर्ड के लिमिटेशन है, जहाँ कॉन्साइज लिखना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा एलाबरेट करना स्टडी को सही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग 4 पॉइंट्स बताए आपने सतेंद्र। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा जैन है और सिविल सर्विसेज 2018 के एग्जाम में मेरी 22वीं रैंक आई है। मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू के प्रिपरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप लोगों को ना सिर्फ ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाती है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीडबैक मिलता है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने चाणक्य आईएएस में मॉक इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिले जिन पे मुझे ना सिर्फ ही तब आंसर करने का मौका मिला, बट बाद में मैंने जाके सोचा भी और इसका मुझे अपने इंटरव्यू में बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एक एरिया जिसमें मेरी चाणक्य आईएएस के मॉक इंटरव्यू से बहुत हेल्प हुई वो था पॉलिटी और गवर्नेंस। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और मैं तब तो आंसर नहीं कर पाई, बट मैंने घर जाके उनको अच्छे से पढ़ा और इंटरव्यू में जब उस फील्ड से फिर से सवाल आए तो मैं बहुत अच्छे से बेटर आंसर कर पाई। मॉक इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने इंटरव्यू को मेंस और प्रीलिम्स जितनी इम्पोर्टेंस दें और ये बहुत बड़ा मार्कर होता है आपकी रैंक का। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। सर, ब्रेक से पहले जो सत्येंद्र ने हमें 4 पॉइंट्स बताए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट को कैसे स्टडी करनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करते हैं। सत्येंद्र, ये पूरे प्रिपरेशन का जो 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, तो आपने प्रिपरेशन में इसको किस अंदाज से देखा? क्या प्री मेंस को अलग अलग देखा या फिर दोनों को इंटीग्रेट करके प्रिपरेशन किया आपने शुरू से? ये दोनों ही एक इंटीग्रेटेड सिंक्रोनाइज्ड वे में हमें देखना होगा, तभी प्रिपरेशन पॉसिबल है, नहीं तो बहुत। तो आपने कैसे प्लान किया, माली जो सिलेबस हैं प्री को और मेंस को किस प्रकार से प्लान बैलेंस किया? मैंने तो ऐसे देखा कि जो प्री है उसका जो नेचर है दैट इज़ इंफॉर्मेटरी, सो यू हैव टू एक्यूमुलेट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। और जो मेंस है उसका नेचर इवेल्युएटिव एंड एनालिटिकल, राइट? तो विश्लेषणात्मकता उसमें ज़्यादा आ जाती है, उसमें विवेचना का जो पहलू है वो ज़्यादा होता है। बाकी मटेरियल और कंटेंट मोर और लेस सेम ही रहता है, सब्जेक्ट मैटर है साथ में, लेकिन एक स्पेसिफिकली हम जब कॉमन दोनों सब सिलेबस की बात करेंगे उसके पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ प्री के लिए जो टॉपिक है उसमें कुछ टॉपिक कैसे हैं, जैसे इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है, इन चीज़ों को प्री के हिसाब से अलग से कैसे देखते हैं आप? सर, ये प्री के हिसाब से वही बात है कि थोड़े इन्फॉर्मेटरी ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल अगर आप प्री का क्वेश्चन पेपर देखें पिछले 2 सालों से जो मैंने देखा है, कई क्वेश्चंस उसमें भी वैल्यू ओरिएंटेड आ रहे हैं। प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो टोटली फैक्चुअल नहीं है और एप्लीकेशन बेस्ड है। तो जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं
तो आप इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक पढ़िए उस नज़रिए से कि आपको प्री की तैयारी करनी है। तो बदलता बेसिकली क्या है, आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप प्री के लिए तैयारी हो जाएगी। लेकिन वो तैयारी मेंस के लिए भी रहती है, क्योंकि जब मेंस में इसी फील्ड से करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर थ्री में, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको, ये जो प्री है ये आपका उसमें फाउंडेशन का काम करेगा। आपको इससे करंट अफेयर्स को सिंथेसिस करना होगा, सिंथेसाइज करना होगा, जो फंडामेंटल फैक्ट्स फिगर्स हैं उसको करंट से अपडेट करके चलना। क्योंकि हम लोग करंट्स की बात कर रहे हैं, हाल आपने बता दिया कि न्यूज़पेपर को आपने किस अंदाज से पढ़ा और दूसरे कैंडिडेट उनसे पहले पढ़ लिया, चूँकि वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी जो उसकी सॉफ्ट कॉपी आती थी। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के अंदर में ये बहुत बड़ा सवाल है। कई बार स्टूडेंट्स कई कई घंटे उसमें लगाते हैं और उसे निकाल नहीं पाते। जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के रूप में जो आपने अनुभव प्राप्त किया, जो लोगों को शेयर करना चाहेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर और उसको कैसे अपने लिए यूज़फुल बनाना है, उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। सो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो आपको इस बात की पहचान हो जानी चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। अगर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का कोई इंटरेस्टिंग केस चल रहा है तो उसमें आप 5 मिनट बर्बाद ना करें, या कोई पॉलिटिकल इलेक्शन बैटल चल रही है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आप पहले तो ये देखें कि आपको पढ़ना क्या है, फिर उसी पर टारगेट करें। दूसरी चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप, यू डोंट हैव टू रीड, आप सिर्फ अध्ययन ना करें किसी चीज़ का, बल्कि उस अध्ययन को जीने का प्रयास करें, अपने जीवन में समझने उतारने। जी, जैसे मान लीजिए अभी ये धर्मनिरपेक्षता पे एक आपने लेख देखा, तो आप ये सिर्फ ना समझे धर्मनिरपेक्षता के ये 3 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, भारत में इक्विडिस्टेंस वाला मॉडल है और वो पश्चिम से कैसे अलग है। ये बात आपके दिमाग तक नहीं रहनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मैं अगर एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरे क्षेत्र में अगर वो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है राजनीति की तरफ से जो नहीं होना चाहिए, तो कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से मूल्य हैं, कौन से प्राकृतिक न्याय के मूल्य हैं और कौन से संविधान के मूल्य हैं जिनके आधार पर मैं इस को टैकल करना चाहता हूँ। तो अगर आप उसको जिएंगे, इफ़ यू लिव द रीडिंग, वो आपके अंतःकरण में बहुत दूर तक रहेगी और आप जब मेंस के हॉल में बैठे होंगे तो स्वतः ही वो पेपर पे उतर आएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि जो इस सर्विस में आप जाने वाले हैं उस समय आज से सोचना शुरू कर दें कि यदि मैं उस पोजीशन में हूँ और ये न्यूज़ और ये व्यूज़ जो बन रहे हैं उसमें हमें कैसे काम आने वाले हैं। यस सर, ये अध्ययन क्या काम करने, सो यू हैव टू लीव दैट लाइफ। यस सर, उससे आपका झुकाव भी बनता है, ओरिएंटेशन भी बनता है। और खास करके न्यूज़पेपर रीडिंग में जो रेलेवेंट क्या है, क्या पढ़ना है, उसके लिए सिलेबस के गाइडलाइंस हैं, जो जो सब्जेक्ट मैटर सिलेबस पे प्रिस्क्राइब्ड हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इंटरनेशनल से, तो वो एक विशेष एक आकर्षण का पॉइंट उसमें बनना चाहिए। हाँ, और आप इसके साथ साथ बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, ये भी देख सकते हैं कि सिलेबस के जो इंडिकेशंस हैं, द सिलेबस उसमें लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बट इंडिकेटिव, राइट। तो वो आप देखिए कि सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं वो आपने जो अपने फंडामेंटल्स पढ़ रखे हैं बेसिक बुक्स, उनके साथ भी आप उनको साथ साथ यू शुड गेट द मैरिड, राइट। उससे जब तक उसकी ब्लेंड नहीं होगी तब तक वो नहीं आएगा। अब थोड़ी हम चर्चा करते हैं मेंस के लिए, क्योंकि प्री में तो फैक्ट्स फिगर और मेमोरी की बात आ गई और हमने चर्चा किया कि उसको रिवीजन के लिए भी आपको कुछ ब्रीफ नोट्स बना के रखने चाहिए, लेकिन मेंस में जो काफ़ी एलोबरेट एक्सटेंसिव हो जाता है, आपको मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए आपके हिसाब से जो बेसिक बिंदुओं पर ध्यान जो रखना चाहिए वो क्या है? सर, मेंस के एग्ज़ाम में आप पहले तो अगर हम रिज़ल्ट देखेंगे तो उसमें 1 नंबर से 8-10 रैंक्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपको सिंसियर और सीरियस होना पड़ेगा। जब आप तब नहीं, जब तैयारी करें तब तो रहना ही, जब आप हॉल में बैठे हैं। जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ, मैं आसानी से उसमें 5-6 नंबर ले सकता था, लेकिन मैं इतना थक गया कि मैंने कहा कि मतलब वो एटीट्यूड आ गया, छोड़ो यार अब निपटाओ। निपटाओ वाला जो एटीट्यूड है उसने अगर 1 नंबर भी कटवा दिया तो मैं थोड़ा सा पीछे चला गया। तो सर इसका मतलब ये है कि आपको सतर्क रहना भी ज़रूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एट द सेम टाइम। ये एक अंश इसका है कि आप जब एग्ज़ाम लिखें तो हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें। जैसे आप पहला ही लिख रहे हैं अभी तो उससे क्या होगा, यू विल डू जस्टिस टू द एग्ज़ाम। अगर आप वो नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के साथ न्याय नहीं होगा, फिर खुद के साथ न्याय नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं,
वो ये ज़रूरी है कि आपके जो आपने पढ़ा है उसके साथ साथ आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए. यस सर. तो यू शुड राइट कोहरेंटली, कोजेंटली एंड लॉजिकली. सतर्क प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात. और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे. yes. लिखने के लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. और क्योंकि हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड यू सीम टू बी द परफेक्ट मैन एंड दिस कॉन्वर्सेशन सीम्स टू बी द परफेक्ट वन फॉर दोज हु आर आउट देयर वाचिंग अस. फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करना होगा, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे और इसी टॉपिक पे और चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको इससे और कुछ हासिल हो. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to never miss an update.